भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने बीजेपी की जीत का दावा किया। बलरामपुर दौरे पर पहुंचे रेणुका सिंह से बातचीत की आईएनएस 24/7 के संवाददाता ने। उपचुनाव में आज नामांकन दाखिल हो चुका है, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। भाजपा की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम को मैदान में उतारा गया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह है, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, ब्रह्मानंद नेताम पर भाजपा भरोसा जताइए, क्या मुख्य वहाँ पर मुद्दे होने वाले हैं, बीजेपी को क्या ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से वोट मिलने वाला है? ब्रह्मानंद नेताम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। 2008 में वे इस क्षेत्र से चुनाव जीते थे, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था, बहुत लोकप्रिय हुए और उनके कार्यकाल में विकास के बहुत काम हुए। अभी ये उपचुनाव है, इस उपचुनाव के एक साल के बाद फिर से छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए जीतेगी क्योंकि चार वर्षों तक इस प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल के ऊपर भरोसा जताकर बहुत इंतज़ार की कि इन्होंने जो वादे किए थे, घोषणा किए थे, उन वादों पर काम शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक उन वादों पर काम भी शुरू नहीं हुए हैं। किसानों की ही बात करें तो किसानों के पूर्ण कर्ज माफ़ी की बात हुई थी, पूर्ण शराबबंदी की बात हुई थी, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता की बात की गई थी, जो हमारी स्व सहायता समूह की बहनें हैं उनके कर्ज माफ़ी की बात हुई थी, लेकिन अभी उन पर काम शुरू नहीं हुआ है, इस कारण जनता नाराज है। तो निश्चित तौर पर भानुप्रतापपुर उपचुनाव सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिए आज यही रही। इस मुद्दे पर आईएनएच पर सबसे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का तर्क आप देख रहे हैं। इनका भी दावा है कि बीजेपी वहां पर जीतेगी और कांग्रेस की जो वादा खिलाफी है उसके खिलाफ जनता बीजेपी पर एक बड़ा भरोसा जरूर देगी। घनश्याम सोनी, आईएनएच 24/7, बलरामपुर।